टुडे मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 21 सिमिलर ट्रायंगल इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स एज फिगर जो आपको दिखने में सेम नज़र आती हैं भले ही वो छोटी और बड़ी हों। जितने भी पॉलीगन्स होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स वो सभी सिमिलर होते हैं। रेगुलर पॉलीगन से मतलब रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, सभी पॉलीगन जितने भी होते हैं वो सिमिलर रेगुलर पॉलीगन होते हैं, वो सारे सिमिलर फिगर्स बनाते हैं। बट यदि किसी टू फिगर्स की डायमेंशंस इक्वल हों और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं तो उनको हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैव द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ इक्वल, और आप इसको ऐसे भी याद करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, CPCT जिसको आप पढ़ते थे। तो यहाँ पर आप सभी ऐसे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स जिनके सभी पार्ट्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, उनको कॉन्ग्रेंट कहेंगे। बट यदि उनके साइड्स परपोसल हो और एंगल्स इक्वल हो तो हम उनको सिमिलर फिगर्स कहेंगे। यहाँ एग्जांपल वर्कशीट में दिए गए हैं, फिगर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, झूमर एज ए कुछ नोटबुक, या आपको कुछ पेयर ऑफ इयररिंग गिवन है तो वो सिमिलर हैं। बट आप यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें फिगर्स के साइज छोटे बड़े हैं तो वो सिमिलर होंगे, नॉट कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एज ए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर्स में फर्स्ट आपको दिया गया कि एक स्टेप फुट पिक्स ऑफ स्टेप्स हैं, बटरफ्लाई हैं, और कुछ फिगर्स हैं डिफरेंट टाइप बट साइज डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर्स है द फिगर्स ऑफ फुट वो कॉन्ग्रेंट हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर जब हमें कहा जा रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं एज एंगल्स भी इक्वल होंगे। यदि हम किसी ट्रायंगल्स की फिगर लेते हैं एज ABC एंड PQR तो एंगल A इज इक्वल टू P एंड B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R होता है, और ये साइड जो होती है वो सारी प्रोपोर्शनल होती है एज दिस। अब आपके पास सेकेंड क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन इन द फॉलोइंग्स। अब आपके पास फोर फिगर्स दी गई हैं, उनमें से दो फिगर्स ऐसी हैं जो सेम हैं एज ए सिमिलर। तो आपके पास सी एंड डी टू हेक्सागन आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है इन इफ ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ एंड QR। तो PQ एंड PR में आप यदि साइड्स की बात करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी एज दिस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ टेकिंग पार्ट टू AB, तो AB इज 7 एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज PQ, PQ इज X, हमने कंसिडर किया कि जो अननोन साइड है वो X और Y कंसिडर कर ली। देन BC इज 12, BC इज 10 एंड दिस इज Y, और लास्ट इज AC इज 12 एंड बेस PR इज 18। नाउ यदि आप 12 एंड 18 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टू जाए 12 और 6 3 जाए हो जाएगा, मीन्स 2/3 आप लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, यदि फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को लेते हैं तो आपके पास 7/X इज इक्वल टू 2/3, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2X इज इक्वल टू 21, देन X इज इक्वल टू 21/2। ये आपके पास यूनिट ऑन सेकेंड। नाउ टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, तो आप सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को ले रहे हैं 10/Y इज इक्वल टू 2/3, देन एम्प्लाइज 2Y इक्वल टू 30, और देन Y इज इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 यूनिट्स। इसे मार्क कर देंगे आप। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आप कर सकते हैं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी
सर्कल सिमिलर होते हैं बट इन सर्कल हैव सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आएगा कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, स्क्वायर होते हैं रेगुलर पॉलीगन है तो वो सभी जितने भी स्क्वायर आप बनाएंगे वो सभी सिमिलर होंगे। ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ आपको रेगुलर फिगर की बात कर रहे हैं हम, तो रेगुलर ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग्स द सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर मीन्स यू हैव कंसिडर मैनी फिगर्स एज ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स इक्विलेटरल, देन पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन और मैनी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सिमिलर फिगर्स। एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव दिस सेम रेडियस ऑफ सर्कल्स, आर सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, सेम लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सेम साइड्स ऑफ द स्क्वायर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो यू टेक मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स, एज आपके पास जितने भी फोर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर की, तो आपको याद है कि आपके पास जो NCERT की बुक्स हैं उन सबका साइज एक है, तो हम उन सबको कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। यदि आप ये कहें कि आपके पास जो नोटबुक्स हैं पर्टिकुलर एक कोई पेन है या कोई आपके रूम्स की विंडोज़ हैं, यदि उसमें बहुत सारी विंडोज़ हैं लेकिन साइज़ उनका सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगी। इन केस यदि वो छोटी बड़ी हो जाएं तो वो सिमिलर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने असाइनमेंट के वर्क को कंप्लीट कर लें। थैंक यू।